भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र के धोरैया नवादा बाजार सड़क किनारे कठौती और बहियात किस्म में अज्ञात दो शव मिलने से इलाके में आग की तरह खबर फैल गई। बताया जा रहा है कि 12 बजे दिन के आसपास राहगीरों की नजर सन्हौला सड़क से जाने वाली धोरैया नवादा बाजार सड़क किनारे गड्ढे में 40 वर्षीय एक महिला और गड्ढे के ऊपर एक 13 वर्षीय किशोर के शव पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों और राहगीरों की घटनास्थल पर भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलने पर नवादा थाने की पुलिस और गोराडीह थानेदार आशुतोष कुमार ने दलबल मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन महिला मृतक का चेहरा काला पड़ने के कारण पुलिस को शिनाख्त करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जांच के लिए खून का नमूना लेकर अपने साथ ले गया। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम बार बार कोशिश करती रही, लेकिन डॉग नवादा बाजार धोरैया सड़क को पार कर खेत में घटनास्थल से 10 से 20 मीटर तक जाकर फिर वापस आ जाता था, इसलिए डॉग स्क्वाड की टीम भी पता करने में असमर्थ थी। घटना को लेकर आशंका जताई जा रही है कि दोनों मृतक का रिश्ता आपस में माँ बेटे का होगा। हत्यारों द्वारा दोनों की दूसरे जगह पर हत्या करने के बाद थाना क्षेत्र में शव को लाकर फेंक दिया होगा। मृतक महिला के गले में रस्सी का फंदा और किशोर के पैर में चोट के निशान। मृतक महिला के मुंह पर चोट का निशान था और मुंह काला पड़ गया था। आशंका जताई जा रही है कि हथियारों ने महिला के मुंह पर लोहे से पीट कर और रस्सी से गला दबाकर हत्या की होगी। वहीं किशोर के पैर में जगह जगह जख्म के निशान है। मामले को लेकर थानेदार आशुतोष कुमार ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भागलपुर भेजा गया। 72 घंटे तक मोर्चरी में रखकर शिनाख्त करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए भागलपुर के जगदीशपुर से रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।